सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यार ये BIS वालों ने तो एकदम सरदर्द कर दिया, मतलब अजीब से अभी कंडीशन है। और दोस्त लिटरली बता रहा हूँ मैं कि आप लोग से ज़्यादा मैं परेशान हूँ। बस ये था कि जो एलिजिबल नहीं है उनका तो समझ में आता है, चलो ठीक है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ यार जो एलिजिबल हो कम से कम उनका तो ना छूटे यार। जो बंदा वो BTECH MCA BCA अपना 4 साल 2 साल 3 साल घिस घिस के दिया हुआ है, आप उस पर भी इतना कंडीशन लगा दे रहे हो। चलो खैर, वो जो उनकी जो बात थी, मेन मुद्दा ये था जो लोगों का डाउट था कि सर हमने जो किया है सर्टिफिकेट, मान ले हमने PGDCA किया या हमने ओ लेवल किया या हमने जो भी किया, तो क्या वो सर्टिफिकेट उसके इक्विवेलेंट है या वो NSQF से माना जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले मैंने दो जगह बात की आज, मैंने मैं बाकी के लिए भी कर दिया हूँ, मैं कोशिश में लगा हूँ, आज एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले एक जगह बात की, मैंने बात किया BIS में, तो जो कि उनके पास इतना फ़ोन गया ना जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो उनका इंक्वायरी था वो शायद अब उनका वो टेक्निकल इशू वाला बन चुका है। ठीक है कि हम आपका टेक्निकल सॉल्व करते हैं, शायद उस जब मैंने कॉल किया तो शायद उनका वो इंक्वायरी ऑफिस था तब तक, अब पता नहीं वो टेक्निकल हो चुका है इतना फ़ोन के बावजूद। बोले सर और कुछ दिक्कत हो तो बताइए। तो उन्होंने पूछा सर देखो आपके जो प्रॉब्लम, मैंने उनको प्रॉब्लम बताया, सर एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है। बोले सर देखिए आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा नाइलिट, आप एक बार वहाँ बात करो। मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैंने बात किया तुरंत नाइलिट में, मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास दोनों की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको नाइलिट वाले की सुना दे रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला सर नाइलिट फिर फ़ोन कीजिए। मैंने नाइलिट को फ़ोन किया, नाइलिट पर मेरी एक लोग से बात हुई, तो पहले मैं आप लोग को उनकी बात सुना दे रहा हूँ, फिर उन्होंने क्या कहा मैं क्लियर के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से सुन लो एक बार। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। हेलो बोलिए प्लीज। सर आपसे एक हेल्प चाहिए थी। सर एक मुझे एक जो चीज़ पूछना था सर, जो ओ लेवल सर्टिफिकेट हम लोगों को मिलता है। हाँ सर, जैसे मैंने सर एक इंस्टीट्यूट से किया होगा, वो वहाँ से एडमिशन मैंने लिया, ठीक है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, वो नैलिट से अप्रूव्ड ही मिलता है सर, आपको पता ही होगा नैलिट से अप्रूव्ड आता है। सर अभी एक वैकेंसी आई थी सर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की आई है, ठीक है, तो उसमें वो सर्टिफिकेट मांगे हैं, ठीक है, बट साथ में सर उन्होंने लिख दिया है कि वो NSQF लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेवल 5 का, लेवल 6 का, ठीक। तो अब सर फिर मैं उनसे ये पूछ रहा था कि मैम सर मेरे पास ओ लेवल है, मेरा लेवल 5 है सर, मैं उसको कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सर नाइलिट से ये पूछ लीजिए क्या वो उसके NSQF लेवल वो उसके लिए करते हैं या नहीं करते हैं। है हमारा जो नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है वो लेवल 3 लेवल 5 करके, ठीक तो सर मतलब है, वो तो सर मतलब मैं उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकते हैं। और सर ये इसका डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर जो होता है सर, वो किस लेवल में आता है। हाँ सर, सर जो डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है DIT, वो वो हमारा कोर्स नहीं है ना। हाँ सर, हमारा कोर्स है क्या? अच्छा तो सर वो आपका कोर्स नहीं नैलिट का? नहीं ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना सर, अब उस पोस्ट के लिए? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर देखो हमारा नोटिफिकेशन पढ़ लो, ठीक है, वो सर्टिफिकेट हम जो प्रोवाइड करते हैं वो आपका उस लेवल के बराबर होता है। वो आप ये मत समझना कि सर उसके इक्विवेलेंट है या वो NSQF वाला सीन है, ये चीज़ मैं बच्चों को बता चुका हूँ। यार देखो आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट नहीं देता है, आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ पैसे लेता है नाइलिट से, उनकी फीस लेता है, कुछ अपना ले लेता है, कुछ अपना यहाँ रखता है, और वो आपको वहाँ रजिस्टर कर देता है। ठीक है, और अपना उस सर्टिफिकेट का नाम लिख देता है कि भाई वो वहाँ से है, ऑथराइज्ड है, और हम ये मैंने यहाँ से लड़का पढ़ा हुआ है, बट ये इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो और ये मैंने इंस्टीट्यूट वाले से भी बात की थी। ठीक है, आप सुने होंगे लाल बहादुर शास्त्री एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आता है, उनका वो चलता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, तो उन्होंने तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने कहा सर देखो वो मेरे परिचय के भी हैं, ठीक है, तो वो कोचिंग चलाते हैं इसका। तो उन्होंने कहा सर देखो जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, अब हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने वहाँ से ऑथराइज़ करा लिया,
ठीक है, अब जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो तो वही देंगे, तो वो बिल्कुल उस लेवल का होगा। ठीक है, यहाँ बात इक्विवेलेंट उसकी है ही नहीं। अब सब लड़का वहाँ से थोड़ी करने जाएगा, जो लड़का कर लिया कर लिया, लेकिन सरकार ने एक बात पहले कही थी, आप लोग पढ़ा होगा, तो सब लोग इस चीज़ से अपना ऑथोराइज करा लो। ठीक है, जो उनका जब ये आया था पूरा उनका बिल विल जो आया था, तो सिर्फ आपको मैं इतना कह रहा हूँ, किसके टेंशन मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट है खासकर, और वो वैलिड है, मतलब वैलिड मतलब इन द सेंस वो एलिजिबल है, ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर उसको अपलोड करो। ठीक, चाहे वो लेवल 5 का हो, चाहे वो लेवल 6 का हो, चाहे, और खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरे को लग रहा है कि यार बीटेक वाले इतना करके दिए हैं और आप इतने उसमें हो कि पता नहीं क्या चाहिए। हालांकि मैं उस चीज़ में भी लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ दिन मुझे दे दो, कुछ देर दे दो, मैं उसमें भी लगा हुआ हूँ और आपसे ज़्यादा लगा हुआ हूँ। ठीक है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं ना पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम से, वो जानते हैं कि मैं पर्सनली आप लोग के लिए कितना मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि यार किसी भी मेरे भाई या बहन का यार नुकसान हो, क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ख़ासकर जो एलिजिबल है उसका तो नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत दुख होता है यार, बहुत दिक्कत होती है, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्शन ले लेना। ठीक है, तो बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि टेंशन फ्री रहो, जिसके पास है उसको अपलोड करो। ठीक है, आप बस ये देख लेना कि आपने जहाँ से किया है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, बस एक ये देखना कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। ऑथराइज्ड है तो आप बिल्कुल अपलोड करो, आप जिस लेवल के लिए एलिजिबल हो, चाहे वो लेवल 5 का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो लेवल 6 का हो, चाहे आपके पास ओ लेवल हो, PGDCA हो, चाहे जो भी लेवल हो आपका सर्टिफिकेट है, आप वहाँ कर सकते हो। बाकी कुछ जो लेवल है मैंने पिछले वीडियोस में बताई हुई है, बताया हुआ है कि सब किस किस लेवल में आता है। ठीक है, ए लेवल किस में आता है, ओ लेवल किस में आता है, PGDCA किस में आता है, DCA किस में आता है। हाँ, एक चीज़ था, ये DIT का भी मैंने पूछा था, सर ये डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका मैंने गूगल पे बहुत ढूंढा तो मुझे मिल नहीं रहा, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है कि इसका लेवल क्या है। मुझे लगा कि सर नैलिटी कराता होगा, तो मैंने नैलिट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा कोर्स नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो, जिसका है पहले उसको भर दो, बाकी को मैं इतना बोलूँगा कि कुछ दिन रुक जाओ, टेंशन नहीं लो, अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ BIS भरे होगे, पढ़ाई तो कर ही रहोगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहो, हर एग्ज़ाम के लिए, कॉमन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होगे आप लोग, तो बस कुछ दिन रुक जाओ, अगर पता चलता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, अब भर देना उसके लिए। ठीक, तो टेंशन फ्री है ना, आई थिंक अभी इसका लास्ट डेट 26-27 सितंबर था क्या, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देखना पड़ेगा उसके आसपास था क्या, उसके पहले जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को पता चलता है कुछ भी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी हो, तो आप खुद मुझको बता दो, या जैसे भी हो मुझको व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो, कुछ भी कर दो। हालांकि मैं भी लगा हुआ हूँ, मैंने 2-3 लोगों से और मैंने बोला हुआ है जो कि उस वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, वो रख सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं, तो मैंने उनसे ही बोला हुआ है। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री रहो दोस्त, जो एलिजिबल है आप वहाँ पे बिल्कुल अपलोड करो। ठीक है, और कोई दिक्कत परेशान नहीं हो तो मुझको बोलो, खासकर बच्चों की ज़्यादा दिक्कत थी, सर इक्विवेलेंट है या कुछ रहे, आप वो आपने लिया है तो वो उसके बराबर है, वो वही है। ठीक है, चलो तो फिर फॉर्म भर दो जो एलिजिबल है, बाकी दोस्त मैं देखता हूँ, टेंशन फ्री रहो, और बाकी जिसके पास नहीं है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का दबा के तैयारी करो, उस पे फॉर्म भर दो जो एलिजिबल, बाकी पोस्ट के लिए नहीं है आप उसके लिए भर दो। ठीक है, तो दोस्त चलो, सभी को राधे राधे, जय हिंद, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।